आगे जाएंगे तो आपको लोडर बंद करना और खोलना, बंद करना और खोलना होता है। तो देखिए ये अंदर घुस रहा है तो अंदर ही घुसा रहा है पूरा। आपका पिंटू सर? पिंटू, क्या सीखने आए पिंटू आप? मैं बाइकल लोडर सीखने आया। बाइकल लोडर सीखने आए, कहाँ से आए हैं आप? मैं बिहार से, अररिया जिला से आया हूँ। बिहार अररिया जिला। आज आपका कितना दिन हुआ यहाँ पे? हो गया लगभग 18 दिन। लगभग 18 दिन हो गया। अभी आप मुझे क्या काम करके दिखाने वाले हैं 18 दिन में? अभी मैं लोडर मार के दिखाऊंगा सर। लोडर मार के दिखाएंगे। लोडर में क्या मिट्टी भरना सिखाएंगे या लेवल करना सिखाएंगे? लेवल करना दिखाएंगे। फ्रेंड यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूरा मिट्टी है, ऊंचा नीचा है, ठीक है ना। अभी आप मुझे इस मिट्टी को जो है यहाँ लेबल करके आप दिखाएंगे, राइट? तो चलिए मैं देखना चाहूंगा कि आपने 18 दिनों में क्या क्या सीखा है, और जो हमारे व्यूवर्स हैं वो भी देखना चाहेंगे कि आप 18 दिन में किस तरीके से लोडर मार रहे हैं, ठीक है ना। चलिए जाइए फ्रेंड। अभी हम यहाँ पे देखेंगे पिंटू किस तरीके से 18 दिनों में इन्होंने क्या क्या सीखा है, और 18 दिन के अंदर में ये लोडर किस तरह मार पाते हैं वो भी हम देखेंगे और समझेंगे। सबसे पहले ये आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ये देखिए आगे बढ़ते हुए आ रहे हैं, और आगे बढ़ने के बाद सबसे पहले ये मिट्टी को पीछे की तरफ खींचेंगे। ये देखिए इन्होंने यहाँ पे जो है लोडर को नीचे रख दिया बस। अब ये जो है सिंपली पीछे की तरफ मिट्टी को खींचेंगे। ये देखिए सही रेस से बिल्कुल मिट्टी को खींचते हुए यही कितने बड़ी से लेवल किया जा रहा है। कभी भी फ्रेंड अगर आप जब नए हैं, बिगनर हैं, तो अगर आपको लेवल करने के लिए मिलेगा तो इसी तरीके से आपको लेवल करना है, मिट्टी को पीछे की तरफ खींचना है। आगे से लेवल करने की कोशिश करेंगे तो नहीं हो पाएगा। इस तरीके देखिए कितना अच्छे से इन्होंने लेवल कर दिया। ये देखिए इसी तरीके से अभी यहाँ का मिट्टी भी लेवल करना है और ये मिट्टी भी लेवल करना है। और यहाँ पे देखिए एक्सकवेटर मशीन का ट्रेनिंग हो रहा है, और यहाँ पे ये रैंप बनाने की कोशिश कर रहे हैं अभी। ये देखिए अभी यहाँ पे देखिए इन्होंने लेवल कर दिया था, जो पीछे से बैक फिलिंग किया जो कि सही नहीं हुआ। अभी आगे की तरफ से लेवल कर रहे हैं। ये देखिए ये किस तरह गलतियाँ करते। देखिए लड़के लोग जब भी एक पोजीशन में जाते हैं तो एक ही पोजीशन में जाते हैं। जब भी फ्रेंड आप आगे जाएंगे तो आपको लोडर बंद करना और खोलना, बंद करना और खोलना होता है। तो देखिए ये अंदर घुस रहा है तो अंदर ही घुसा रहा है पूरा। इसी तरीके से जो है लड़के लोग गलती करते हैं, जो नए हेल्पर होते हैं या फिर नए ऑपरेटर होते हैं, एक ही पोजीशन में जो है मशीन चलाते हैं। अभी आप मशीन जो चला रहे हो ना जी सर, तो वो तो सामने क्या हो गया? खड्डा हो गया सर। कैसे हुआ खड्डा बताओ? लोडर दब गया सर। लोडर दब नहीं गया आपने, वहाँ से एक बार जो लगाया और वही पोजीशन में आप यहाँ तक आ गए। लोडर जब आगे से लेबल करोगे ना तो खोलना और बंद करना, ये दो ही फंक्शन काम करता है जी सर। ठीक है, और आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, खाली आ रहे हो और आ रहे हो आगे। जब भी देखोगे मेरा लोडर जब अंदर जा रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? बंद करना चाहिए, एग्जैक्टली। लेकिन आप बंद नहीं कर रहे हो, वही पोजीशन में सीधा आगे बढ़ने के कारण आपका खड्डा हो गया। तो ये सब चीज़ों पर ध्यान दो, ठीक है ना। जाओ उसको अब क्या करो, ये मिट्टी को पीछे खींच लो, ठीक है। ऊपर ही चढ़ा के आपको डालना है, आप नीचे क्यों डाले मशीन को? क्यों डालना है आपको? क्या करना है इसको अभी लेबल करो, ठीक है ना। इधर का मिट्टी इधर करो, इधर जहाँ जो है ना इसको मिट्टी इधर करो, लेबल करके मशीन को ऊपर लो और ऊपर से ही मिट्टी को उठा कर डालना पड़ा। तो हम बता रहे थे रैंप पे मशीन को उतार के मशीन चढ़ाना, तो भी आपने देखा कि किस तरीके से मैंने जो है सोहेल को बताया रैंप पे चढ़ाना, और जब भी चढ़ पे मशीन को चढ़ाना रहता है तो किस तरीके से आर्म के सहारे आपको चढ़ाना होता है, वो सारा डिटेल में मैंने इनको बताया। अभी इनको पूछते हैं इनको समझ में आया या नहीं समझ में आया। और यहाँ पे देखिए जेसीबी का ट्रेनिंग हो रहा है, बकेट यहाँ भरने की कोशिश कर रहे हैं।